जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हुआ था। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही उन्हें तत्कालीन डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह जी ने ये नाम दे दिया था। वहीं 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। आपको बताते चलें, डेरा प्रमुख की 2 बेटियां और 1 बेटा है। इसके साथ ही राम रहीम ने 1 बेटी को गोद लिया है। गुरमीत राम रहीम ने केदारनाथ में आई बाढ़ के बाद ये बयान देकर विवाद को जन्म दे दिया था कि इस त्रासदी में विधवा हुई महिलाओं से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी विवाह करना चाहते हैं। मगर इस बयान के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बवाल मच गया और जगह जगह राम रहीम का विरोध होने लगा। वहीं सिरसा के सांध दैनिक के संपादक रामचंद्र छत्रपति पर 24 अक्टूबर 2002 को कातिलाना हमले का आरोप भी उनके ऊपर लगा और बाद में उनकी मौत भी हो गई थी। आपको बता दें कि साध्वी से यौन शोषण और रणजीत की हत्या पर खबर छापने के बाद ये हमला हुआ था। इसके अलावा एक विज्ञापन में गुरमीत राम रहीम की तरफ से 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की पोशाक पहनने को लेकर भी अच्छा खासा बवाल खड़ा हो गया था। देखा जाए तो राम रहीम के पास अरबों करोड़ों की संपत्ति है, क्योंकि सिरसा में उनके पास तकरीबन 700 एकड़ जमीन है। इसके अलावा राम रहीम एक गैस स्टेशन और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी चलाते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।